नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की कराची में इफ्तिताही तकरीब। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खसूसी थे। आर्मी चीफ ने कौमी स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल मंसूबा करार दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की कराची में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खसूसी थे। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर से। नवीद बताइएगा कराची के किस इलाके में ये पार्क मौजूद है और ये क्या आम शहरी भी इधर का विजिट कर सकते हैं? आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज सिलिकॉन कराची में कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हावल मंसूबे का इफ्ताह किया है और ये एरोस्पेस साइंस का जो पार्क है इसको बड़ा अहमियत का हामिल है। ये नेशनल एरोस्पेस साइंस टेक्नोलॉजी पार्क कौमी स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। ये आर्मी चीफ यहाँ मेहमान खसूसी थे। इसका जो सेकंड चैप्टर है उसकी इफ्तिताही तकरीब हुई है और इसमें जो है आर्मी चीफ का कहना था कि ये मनसूबा तकनीकी तरक्की को फरोग देगा, खुद नसारी का प्लेटफॉर्म साबित होगा, मुल्क के जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं और हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए भी इसके बहुत ज्यादा फायदे होंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फजाइया की कोई क्वेश्चन जो है एरोस्पेस साइंस के शोबे में बहुत ही अहमियत की हामिल है। पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू जो है वो भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने पाक फजाइया के मंसूबों के विजन पर रोशनी डाली और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खसूसी थे। नवीद अकबर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।